करीब 2 से 3 वर्ष के तेंदुए की गंभीर हालत से मौत हो गई। पोस्टमार्टम जांच में यह निष्कर्ष निकला कि मौत फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुई है। तहसील के गोवारी टोला में ग्रामीणों को एक नर तेंदुआ गंभीर हालत में मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी तुरंत पहुंच गए। उसी समय तेंदुआ सांस ले रहा था, इसलिए पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर कावगते को तुरंत बुलाया गया। तेंदुए की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर नागपुर में स्थानांतरित करने की तैयारी की गई। इसी दौरान तेंदुए को वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय लाया गया। फिर से जांच करने पर डॉक्टर कापगते ने कहा कि वह मर चुका है। एनजीओ के सदस्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि शुभम धोटे, मानद वन्य जीव रक्षक शाहिद खान की उपस्थिति में आयुक्त पशुपालन अधिकारी डॉक्टर जे डी गोस्वामी, पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर जे जे शेट्टीवार, डॉक्टर कापगते की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम ने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि उक्त तेंदुए की मौत फेफड़ों के संक्रमण के कारण हो सकती है।